हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर फुटिंग एंड इट्स कॉलम पार्ट नंबर 2। तो हमने पार्ट 1 में देखा कि रेक्टेंगुलर कॉलम को हम डिजाइन कैसे कर सकते हैं। आज हम देखेंगे रेक्टेंगुलर फुटिंग को कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे वेबसाइट को विजिट नहीं किया है जिसका नाम है www.civilnotes.com, इस वेबसाइट के ऊपर जाइए, आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, काफी फ्री कोर्सेस मिलेंगे। ओके, और काफी हद तक आप सिविल इंजीनियरिंग में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे फ्री में मिलेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर फुटिंग के बारे में, आपको सबसे पहले निकालना होता है डेप्थ ऑफ फुटिंग, ओके, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बिलो ग्राउंड लेवल। मतलब बिलो ग्राउंड लेवल आपका कितना डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होगा, ओके, मतलब कितना एक्सकैवेशन आपको करना है। अगर आपको यही पता नहीं है तो आप फाउंडेशन डिजाइन नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला ऐसा है, डीएफ इक्वल्स टू क्यू बाय आर इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ऑफ फाई अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ फाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू इज वॉट, क्यू इज अवर सेल्फ बेरिंग कैपेसिटी, ओके, आर इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ये हमने यहाँ पे डाल दिया जो हमने लास्ट पार्ट नंबर 1 में आपको दिया था। 150 हमारा SBC है, सेल्फ बेरिंग कैपेसिटी, और आर हमारा यूनिट वेट है 80, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। और हमने एंगल ऑफ रिपोज कंसिडर कर दिया कि चलो 30 डिग्री हमारा एंगल ऑफ रिपोज है, जिसके हिसाब से आपको फाउंडेशन में ऐसे रेजिस्टेंस आएंगे। तो हमने यहाँ पे 30 डाल दिया और हमें एक पर्टिकुलर डेप्थ मिल गई 0.92। इट मीन्स कि हमें 0.92 मीटर इतना हमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन करना है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ये कि हम मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कंसिडर करते हैं एज अ 1 मीटर, ओके। तो इसमें से हमने, हमें दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लेनी होती है, और हम मैक्सिमम लेते हैं कितना, 1 मीटर। मतलब इसमें यहाँ पे देखिए हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से कितना है 0.92, और हम कंसिडर कर रहे हैं कितना, 1 मीटर। तो दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 1, तो हम यहाँ पे 1 मीटर कंसिडर करेंगे। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 2 होती है लोड कैलकुलेशन। देखिए, कभी भी कोई भी काइंड का स्ट्रक्चर आप डिजाइन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उसका डिजाइन, उसका लोड कैलकुलेशन करना होता है। तो यहाँ पे हम लोड कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले आपको लोड ऑन कॉलम निकालना है कि भाई कॉलम से आपका कितना लोड आ रहा है, मतलब जो कॉलम आपके ऊपर रख, जैसे मान के चलो कि ये आपका फुटिंग है, रेक्टेंगुलर फुटिंग, इस रेक्टेंगुलर फुटिंग के ऊपर ये आपका कॉलम है, तो इस कॉलम के ऊपर आपका कितना लोड आने वाला है, ओके, हाउ मच लोड कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कॉलम। तो डेफिनेटली ये लोड आपके फुटिंग के ऊपर भी आएगा एक्चुअली। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं 850 kN, ओके। उसके बाद हम ये अज्यूम करते हैं कि सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग कितना है। अभी हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि फुटिंग का वेट कितना रहेगा, लेकिन जो भी लोड हमारा कॉलम के हिसाब से आ रहा है उसका 10% लोड ऑफ कमिंग फ्रॉम कॉलम उसको कंसिडर करते हैं, जो कि 85 kN होता है। तो इन दोनों के एडिशन करेंगे तो हमें टोटल लोड मिलेगा 935 kN। तो ये हमारा टोटल लोड रहेगा जो हम इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर फुटिंग को डिजाइन करने के लिए यूज करेंगे। कभी भी ध्यान में रखना है, अगर इंटरव्यू का क्वेश्चन है उसमें भी ये बताया जाता है कि लोड, अगर आपका फुटिंग के लिए लोड निकालना है तो सबसे पहले कॉलम से कितना लोड आ रहा है वो देखेंगे, और जितना लोड आ रहा है उसका 10% लोड हम रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए कंसिडर करेंगे, फिर दोनों का एडिशन करके जो लोड रहेगा दैट इज फॉर योर फुटिंग, ओके। उसके बाद अभी हमें यहाँ पे क्या मिल गया, लोड भी मिल गया। अभी हम इस लोड को यूज करेंगे फॉर रेस्ट ऑफ द ऑल कैलकुलेशंस। नाउ जब आपका लोड निकल जाता है हमें निकालना पड़ता है साइज ऑफ फुटिंग, कि आपके फुटिंग का साइज क्या है, ओके, जो हमारी स्टेप नंबर 3 है। साइज ऑफ फुटिंग निकालना बहुत सिंपल बात है, इसमें कुछ ज्यादा आपको प्रोसेस करनी नहीं होती है, क्योंकि साइज ऑफ फुटिंग आपका लोड के हिसाब से निकलता है। तो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ फुटिंग निकालना पड़ता है कि हमारा एरिया क्या है फुटिंग का, कितना एरिया हमें लगने वाला है। तो उसके लिए फार्मूला है W upon SBC, जो भी आपका लोड है डिवाइडेड बाय सेल्फ बेरिंग कैपेसिटी हम करेंगे। तो लोड हमारा कितना है 935, ओके, और हमारा सेल्फ बेरिंग कैपेसिटी कितनी है 150, तो ये कितना हो गया 6.23 square meter, या फिर मीटर स्क्वायर। तो इतना 6.23 meter square, ये आपका क्या हो गया, एरिया। मतलब आपका इस तरीके से जो फुटिंग है उसका जो पूरा एरिया हो गया वो कितना हो गया 6.23 meter square, ओके। ना उसके बाद अभी हमें क्या करना है, रेक्टेंगुलर फुटिंग डिजाइन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइडिंग रेक्टेंगुलर फुटिंग।
अगर मैं रेक्टेंगुलर फुटिंग प्रोवाइड कर रहा हूं तो यहां पे देखिए ये पर्टिकुलर आपका डायमेंशन है, जिसमें बी है 300, डी है 400, मतलब जो आपका कॉलम है उसके डायमेंशन जो हमने पार्ट नंबर वन में निकाले 300 बाय 400 का आपका क्या है कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उनके क्या लिख दिया, एक डायग्राम निकाली और सबसे पहले ये मैंने कॉलम को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और बाकी की जो है ये मैं आपको अलग कलर से दिखाता हूँ, ये आपकी फुटिंग है, दिस इज योर फुटिंग, ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा इश्यू हो जाएगा समझने। तो ये सारी चीजें हमने इसमें ड्रॉ कर ली। नाउ अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमें टोटल लेंथ निकालनी है, ठीक है, मतलब हमें लेंथ निकालनी है यहां से लेके यहां तक, फ्रॉम दिस साइड की ये लेंथ कितनी होगी, ओके, और ये विड्थ कितनी होगी, ये हमें टोटल निकालनी है। तो ये हम कैसे निकाल पाएंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया है, चारों साइड में एक्स 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 इतने एक्स लगा के रख दिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन बना रहे, अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, ये जो डी है इस डी के साथ 2x को एडिशन कर दूंगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डी प्लस 2x। और अगर मैं विड्थ निकाल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, बी के साथ दोनों साइड के x ऐड कर दूंगा, तो ये हो गया बी प्लस 2x, ठीक है। तो अभी मेरे पास डी की वैल्यू है 400 mm, मतलब 0.4, ओके, प्लस 2 × x, एक रिलेशन मुझे मिल गया इन टर्म ऑफ लेंथ का। सिमिलरली मैं विड्थ के लिए बताऊंगा 0.3 प्लस 2x। तो एरिया का मेरा फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ इंटू, सॉरी, लेंथ इंटू विड्थ। तो अभी क्या है कि जब मैं एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ निकाल रहा हूं तो मुझे यल का भी मेरे पास एक रिलेशन है और मेरे पास बी पे एक रिलेशन है, तो मैं इन दोनों रिलेशन को क्या करूंगा इसमें डाल दूंगा, एरिया इक्वल टू यल इंटू बी, क्योंकि हमारे पास एरिया की वैल्यू है जो कि 6.23, ओके, और लेंथ और बी का दोनों का रिलेशन हमारे पास है, तो हम इसमें डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स, ठीक है। तो जब हमें इस x मिल गया तो x को वैल्यू हमने कितना बोला 1.1 मीटर। अभी हम क्या करेंगे, ये जो x की हमें वैल्यू मिली है इस वैल्यू को हम इन दोनों रिलेशन में डाल देंगे, लेंथ और विड्थ में। तो हमें ये देखिए 0.4 प्लस 2 × x, ओके, और यहाँ पे 0.3 प्लस 2 × x, तो हमें लेंथ मिल गई 2.6 और विड्थ मिल गई 2.5। तो इसलिए हमारा जो पूरा फुटिंग है उसका डायमेंशन रहेगा यल, जस्ट वेट अ मिनट, यल इक्वल्स टू 2.6, ओके, 2.6 मीटर और विड्थ रहेगी आपकी कितना 2.5 मीटर, ओके। ना हमें स्टेप नंबर 4 असाइन करनी है, जो है अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी। कि अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी हम निकालते कैसे, क्या फार्मूले होते हैं अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी निकालने के, चलो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी निकालना मतलब नीचे से आपका कितना ऊपर प्रेशर आ रहा है वो निकालना है, जिसको हम पीयू से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, ठीक है। तो पीयू का हमारा फार्मूला है 1.5 × लोड डिवाइडेड बाई एल इंटू बी। तो अभी हमारे पास 1.5 तो एक फैक्टर है, लोड भी हमारे पास है, एल इंटू बी भी है, ठीक है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, इन सारी चीजों को इसमें पुट करेंगे। जब हम इन सारी चीजों को इसमें पुट करते हैं, क्योंकि लेंथ देखिए हमारे पास सारा कैलकुलेशन है, ठीक है। लो अभी इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब जब हम अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी निकालते हैं तब हम सिर्फ कॉलम का लोड ही डालते, पूरा लोड नहीं डालते। यहाँ पे बहुत लोग अपने एग्जाम में गलती करके बैठते हैं, या फिर जो आप कैलकुलेशन करते हैं बिल्डिंग डिजाइन के लिए, तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, हम पूरा लोड डाल देते हैं। देखिए पूरा लोड नहीं डालना है आपको, अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी जब निकालते हैं तो आपको सिर्फ कॉलम के ऊपर जो लोड आ रहा है उसको ही डालना है। तो हमारे कॉलम के ऊपर कितना लोड आ रहा है, ओनली 850 kN, तो हमें सिर्फ 850 kN ही डालना है। तो हम यहाँ पे आएंगे नीचे और देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ 850 डाला है, ओके। सो 1.5 × 850 डिवाइडेड बाई 2.6 × 2.5, जो लेंथ इंटू विड्थ हमने अभी निकाला है। सो हमें ये पूरा मिल गया 196.15 kN/m². तो हमें यहाँ पे पीयू मिल गया 196.15। सो हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है फिर बेंडिंग मोमेंट निकालने की, कि हम कितना फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट हमारे इसमें आएगा। ये जो लोड आपके ऊपर, ये जो आपका कॉलम है, ठीक है, उसके ऊपर जो आपका ऐसा प्रेशर आ रहा है, इसका लोड आ रहा है, तो इसके वजह से जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, लाइक दिस,
ठीक है, इस तरीके से आपका बेंडिंग मोमेंट होगा। तो ये कितना होगा ये भी तो आपको निकालना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हम एक डायग्रामेटिक का रिप्रेजेंटेशन बनाइए जिसमें हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलम बनाया है, ठीक है, और ये जो पूरा एरिया है वो अपना क्या है, फुटिंग है। तो यहाँ पे हमने डी की वैल्यू दे दी, यहाँ पे हमने बी की वैल्यू दे दी, यहाँ पे हमने कैपिटल बी की वैल्यू लिख ली, यहाँ पे हमने स्मॉल मतलब टोटल लेंथ की वैल्यू लिख ली, और हमने इस यहाँ पे एक सेक्शन डाला है और यहाँ पे एक सेक्शन डाला है जो इस पॉइंट से क्या होता है, मीट होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ऐसा बांध के चलते कि हमें एक्स वन डिस्टेंस निकालना है और एक्स टू डिस्टेंस निकालना है। अभी हमें क्या निकालना है, ये दोनों डिस्टेंस निकालना है, एक्स टू और एक्स वन। ये कैसे निकालेंगे, एक्स वन मतलब होता है जितना भी आपका लेंथ है उसमें से हम ये डेप्थ माइनस करेंगे और उसको दो से डिवाइड कर देंगे, तो उसको आपका क्या मिल गया, एक्स वन। सिमिलरली हमने यहाँ पे किया, देखिए एल माइनस डी बाई टू, 2.6 माइनस 0.4 बाई टू, 1.1 मीटर आपको मिल गया। अभी हमें x2 निकालना, x2 कैसे निकलेगा, ये जो टोटल b है इसमें से स्मॉल b माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई टू, तो ये आपको मिल गया 1.1 मीटर। ठीक है, तो अगर आपके पास x1 और x2 है तो हमने यहाँ पे लिख के रखा है कि क्रिटिकल सेक्शन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज एट फेस ऑफ द कॉलम। हम ये मान के चल रहे कि जो भी हमारा बेंडिंग क्रिटिकल सेक्शन रहेगा फॉर मैक्सिमम बेंडिंग, ये फेस ऑफ द कॉलम को रहेगा, इसलिए हमने इस तरीके से सेक्शन डाले। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो हमारे फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट के यहाँ पे फार्मूले ले रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी फैक्टर्ड लोड यूज करेंगे। तो वो रहता है एम यू वन इज इक्वल टू फैक्टर्ड लोड जो पी यू है इंटू बी इंटू एक्स वन स्क्वायर बाय टू। अब ये फैक्टर लोड कौन सा है, 196, जो हमने क्या निकाला, ये अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी निकाला है। ठीक है, सो अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय बी आपका है 2.5 इंटू एक्स वन आपका कितना है, 1.1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट कितना मिल गया, 296.7 इंटू 10^6 न्यूटन इंटू एम एम। सिमिलरली हम एम यू टू के लिए निकालेंगे जिसमें हम एक्स वन की जगह क्या डालेंगे, एक्स टू डालेंगे, और बी की जगह हम क्या डालेंगे, लेंथ डालेंगे। तो आपको दोनों मिल गया। ये दोनों होने के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालने के लिए। तो डेप्थ ऑफ फुटिंग हम कैसे निकालते हैं, उसकी क्या प्रोसीजर होता है, ये पार्ट नंबर 3 में विथ रेनफोर्समेंट ड्राइंग मैं आपको कल अपडेट करके बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।